रेसिपी बनाएंगे मशरूम का चिली, मतलब घर में कम ऑयल और कम मसाले में। पहले ये तो बटन मशरूम है, उसको बड़ा साइज में काटना है। सिर्फ सूखा हरा रोटी डालना है ताकि इसको फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा कड़क रहे, बस और कुछ नहीं। इसको पहले अच्छे से धो ले और इसका जितना पानी है सब निकाल दे। इसमें नमक मत डालिए ताकि और पानी निकल जाएगा नमक डालेंगे तो। बस इसको ऐसे मिला ले। जो मैं पहले एक बार कुछ बनाई थी चिप्स वगैरह बचा हुआ है। आप कोई भी ऑयल बनाते तो एक ही दो बार फ्राई करें, उसके बाद उसको यूज मत करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा फैट रहता है और आपकी वजन बढ़ाता है, फैट बढ़ाता है। मेरे अभी बीच में वजन बढ़ गए, मैं ऐसे ही इतना सारा ऑयल कैसे फेंकूंगी करके नहीं फेंका, और थोड़ा थोड़ा रोज जितना ऑयल इस्तेमाल होता है उतना इस्तेमाल करते गए। मुझे लग रहा है अभी मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया है, फैट बढ़ गया, ऐसे होता है। आप ऑयल जो रहता है तला हुआ उसको बार बार यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा फैट भी ज़्यादा ही रहता है। इसको पूरा फ्राई करेंगे और जब भी फ्राई करें कम तेल ही ले, ज़्यादा तेल लेंगे तो वो वेस्ट ही हो जाए। पानी छोड़ते हैं लहसुन ज़्यादा, उसके लिए कम ऑयल कम कम क्वान्टिटी का ही डालें। सूखा पाउडर डालेंगे तो अच्छा ये गिला हो जाएगा तो बाद में कड़क कड़क नहीं रहेगा फ्राई करने के बाद। अभी हो गए और थोड़ा ही टाइम पकेगा, इसको निकाल देंगे और फिर नीचे वाला एकदम अभी मैं एक ही पैकेट ली थी बटर मशरूम, ये यहाँ पे 40 रुपए पैकेट होते लोकल मार्केट से ली थी। पता नहीं बाहर मुंबई में कितना रेट है, मुंबई में लास्ट टाइम 200 ग्राम का 35 रुपीज में दी थी, इधर का तो रेट दिखता ही नहीं था। मैं रोज नहीं बनाती हूँ, ऐसे मशरूम का सादा भाजी बनाती हूँ, कभी बनाती हूँ तो उससे कम कैलोरी में आए। ये तो अभी हाई कैलोरी हो गया और अब वेट मैंने चेंज करना चाहते तो ये आप ना करिए, लेकिन कभी कभी टेस्ट भी कर सकते हैं। ये भी हो गया इसको भी निकाल लेंगे, तो कुछ दे तो अब इसको किसी पेपर में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी गाँव में नहीं मिला, मुंबई में मेरा रहता है सब सर कहाँ जाओ, लेकिन निकाल लेंगे और अभी इसमें डालेंगे उसी साइज का गाजर थोड़ा, अभी थोड़ा टाइम फ्राई कर लेंगे, ये ज़्यादा टाइम नहीं है, इसको थोड़ा कच्चा ही रहने देंगे, ये थोड़ा हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, इसको भी फ्राई करके निकाल देंगे। फिर जो बटे का तेल इस तेल को निकाल लेंगे
और जितना प्याज भूनने के लिए कम करें बस उतना ही रखना है, बाकी का पेस्ट निकाल देंगे। बस थोड़ा सा साफ फ्राई करके निकालना, ज़्यादा पकाना नहीं है, बस कच्चा ही लेना, तो मतलब आप कुक आप कुक करके निकालना। बचा हुआ तेल है वो मैं टिफिन में निकाल लूंगी। बस इसमें अभी डालेंगे कटी हुई लहसुन, अदरक भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है, थोड़ी सी चीरा लगाऊंगी हरी मिर्च। कांदे को चार भाग में काट के इसको अलग करना, इसके साथ डाल देना, इसको भी हाफ कट करना। ये देखिए ये जो तला हुआ निकला है कितना सारा इधर ऑयल जमा हुआ है, इसको मैं थोड़ा टेढ़ा रख दिया गैस के नीचे, इसमें इसीलिए मैं पूरा तेल निकाल दिया, ताकि इसका जो तेल निकला है उसमें डाल देना, उसमें डाल देना टमाटर और टमाटर को बॉईल करके उसका छिलका निकाल के उसको पीस के उसको छान के उसका प्यूरी भी निकाल सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं कटी हुई टमाटर डाल दी, आपको गैस का प्रॉब्लम है तो उसका सारा बीज निकाल दें, छान के काट के निकाल दें फिर डालें। अभी इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब टमाटर केचप डालते हैं तो थोड़ा नमक कम डालेगा कि उसमें मीठा खट्टा नमक सब बराबर रहता है। ये थोड़ा पकने के लिए मैं ज्यादा नमक डाल दी थी, ये थोड़ा ही टाइम पकेगा, ज्यादा नहीं पकाना है, फिर इस सब को डाल देंगे, इसका भी जो ऑयल है उसको छोड़ देगा वो भी पकेगा, फिर इसमें आपको टमाटर केचप डालना दिखा दूंगा। बहुत ज्यादा टाइम केचप नहीं लेती हूँ, ये मैंने एक पैकेट मैगी ली थी फैमिली पैक वाला, उसमें फ्री मिला था, तो इसका 2 चम्मच डालेंगे, नहीं तो आप कोई अच्छा वाला टमाटर केचप मतलब पतंजलि का और अलग कोई आयुर्वेदिक नेचुरल जो मिलता है ज्यादा प्रिजर्वेटिव नहीं रहता है केमिकल नहीं रहता वो वाला केचप लाके यूज कर सकते, लेकिन मैं ज्यादा नहीं करती क्योंकि पैकेज फूड से दूर ही रहेंगे आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। अभी इसमें डाल देंगे पूरी पूरी सब भाजी जितना भी तेल है सब, और इसको थोड़ा पकाएंगे। आपको सूखा बनाना है तो ऐसे ही सूखा बनाए, नहीं तो ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा ये जो आधा रोड है इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और इसी पानी को डाल देंगे, इससे ही आपका मंचूरियन भी बनता है, इससे भी आपका चिकन चिल्ली सोया चिल्ली कुछ पनीर चिल्ली सब ऐसे ही बनता है। और कुछ ले रखी जाएगा, मैं कोई चिली सॉस नहीं डालती हूँ, सोया सॉस नहीं डालती हूँ, मैं तो कभी ये बनाती भी नहीं हूँ। अभी होटल जाने से बचना है, कम कैलोरी खाना खाना है, तो घर में कभी कभी तो ये बनाना पड़ेगा, इसके लिए बहुत दिन बाद बहुत साल बाद ये बनाने हैं।
और इसको थोड़ा ढक देंगे ताकि इसका पानी छोड़ के थोड़ा टाइम के लिए, 2 मिनट। ये देखिए अभी रेडी हो गए। इसमें डाल देंगे अभी चिकन मसाला पाउडर, इसका 1 टेबल स्पून। ये तो आप घर पे भी गरम मसाला बना के डाल सकते हैं, वो भी थोड़ा डालेंगे मेरे पास है। ये रहा घर का गरम मसाला, बस अभी थोड़ा धनिया डाल देंगे और हो जाएगा डन। थोड़ा धनिया डाल दें, बस बंद कर देंगे। अभी रोटी की बारी। चिल्ली के साथ चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं। पहले तवा को गर्म कर ले अच्छे से, फिर उसको एक सूखा साफ कपड़े से साफ कर ले ताकि टेम्परेचर बराबर रहे और रोटी ना चिपके। फिर इस रोटी को डाल के थोड़ा हिला ले, ऐसे इतना ऐसे डालेंगे ना रोटी तो एकदम दोनों साइड से अच्छे से पकेगा और फूकेगा भी। एक ही रोटी बना के दिखाऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, वैसे भी 10 मिनट हो गया। ये एक साइड से अच्छे से हो गया है, दूसरी साइड पलटी करेंगे और उस साइड से ऐसे ही पकाएंगे। उस साइड भी पक गया, आपको कैसे मालूम पड़ गया, ऐसे ऐसे ऊपर ऐसा वाला आएगा। ये देखिए इसको भी कोई भी कपड़ा या पेपर से ऐसे दबा ले, थोड़ा थोड़ा घुमा के ये पूरा फट जाएगा। थोड़ा संभाल के फट जाएगा तो वो जो गर्म गैस रहता है आपके हाथ में फट जाएगा। पहले मैं क्या करती थी, तंदूरी रोटी के लिए आग में उसको सेकती थी, गैस के आग में खाना डायरेक्ट जलाते खाने तो वो सही लिए अच्छा नहीं हुआ। मुझे अभी हाल ही में ही पता चला, इसके लिए अभी मैं ताव पे ऐसे ही सेकती हूँ। रेडी हो गया। इसके ऊपर अभी थोड़ा देसी घी लगाएंगे। 3-4 दिन से रोटी नहीं बना था तो ये परसों निकाले थी घी, ये लगा दिया। बस इसको लगाना ही है और कुछ नहीं करना, सेकना नहीं है बस। कर लेंगे मम्मी तक खुले हो दो। खा ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड लोग के साथ रेसिपी शेयर करिए। मुझे बनाना है बाकी रोटी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड का बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।